विप्रो फाउंडेशन चांदी की टकसाल प्रकरण में मंदिर श्री गिरधार जी के पुजारी को बेवजह प्रताड़ित किए जाने को लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस की गई। दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच करवाई। पुजारी परिवार को न्याय दिलवाने की मांग करता है। विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खन्ना ने मंदिर से जुड़े वास्तविक दस्तावेज मीडिया के समक्ष पेश करते हुए बताया कि पुजारी परिवार को कानून पर भरोसा है, इसलिए उक्त भूमि प्रकरण में न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय से पुजारी परिवार के पक्ष में अब तक जो भी फैसले हुए उसकी अवलोकन साफ हो जाएगा कि पुजारी परिवार न्यायिक लड़ाई जीती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुजारी परिवार के सदस्य एवं ललित मौजूद थे। उन्होंने मंदिर भूमि प्रकरण में सिलसिलेवार जानकारी दी और बताया कि इस प्रकरण में पुजारी परिवार को बेवजह लपेटा जा रहा है। घटनाक्रम के बाद से तो पुलिस ने हमें पूरी तरह बंधक बना रखा है। पूरा परिवार किसी अनहोनी घटना घटित होने की आशंका से ग्रस्त है। मंदिर के पास निगम ने जिस भवन को जमींदोज किया है उससे भी मंदिर बुज क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस लापरवाही से मंदिर को पहुंची क्षति को लेकर स्थानीय नागरिकों में भी रोष है। मंदिर को क्षतिग्रस्त करने वाले निगम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लीगल टाइटल की स्थिति की बात करें तो क्या है अभी लीगल टाइटल? देखिए, लीगल टाइटल मैंने आपको जो दस्तावेज प्रस्तुत किया वो आपको भी दिए। उन दस्तावेज में सिटी सर्वे जो हुआ है उसमें मंदिर का नाम है और ये भूमि पूरी मंदिर है और उसका नक्शा भी इसमें लगाया गया है। और जहाँ तक लीगल आस्पेक्ट की बात आप करें तो 1984 से लेकर और 2023 तक कंटिन्यू ये न्यायालय में इस बात को लेकर कि ये प्रॉपर्टी इनकी है और प्रॉपर्टी को न्यायालय ने मांगा है। जब भी नीचे अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश उसमें है, सुप्रीम कोर्ट तक इनके पक्ष में आदेश हुए। तो ये क्लियर है कि जब इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश किए हैं तो संपत्ति मंदिर की है। और जो आदेश है हम आपके पास जो आए उसका मेन कारण ये रहा कि आज कोई आदमी विधिक प्रक्रिया अपना कर अपनी किसी भी संपत्ति के लिए जो कार्रवाई कर रहा है और उसके बाद न्याय में अपनी पूरी आस्था रखता है और न्याय में आस्था रखते हुए 1984 से 2023 तक संघर्ष करते हैं और विभिन्न न्यायालयों के अगर निर्णय आगे हैं, ये पक्ष आप तक अभी तक पहुंचा नहीं था, ये पक्ष आप तक पहुंचे इसके लिए हम आपके पास आए। सब डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको स्नोपिस लगा के दिया है कि 11 कागजात हमने आपको पेश किए हैं। उन 11 कागजातों में अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के सभी आदेश और सभी वो लीगल डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके पास। तो हम आपके द्वारा ये निवेदन करना चाहते हैं कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के क्या